हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो क्या दोस्तों, रोहित शर्मा 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसको लेकर रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आया है और उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार टीम इंडिया बनी है वर्ल्ड कप की चैंपियन। जी हां, 29 जून का वो दिन था जो कह सकते हैं कि भारत में 30 जून तक भी गया, जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो था वो उठाया था। और इसी के इमीडिएट बाद, जैसे ही खिताब उठाया, इसके इमीडिएट बाद ही विराट कोहली, जो कि टीम इंडिया के सुपरस्टार बैट्समैन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब वो T20 क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे और ये उनका आखिरी T20 मुकाबला था। और थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गाइस, तो उसमें जो टीम इंडिया के कैप्टन थे रोहित शर्मा, वो आए थे और रोहित शर्मा ने भी अनाउंस कर दिया कि भाई उनका भी ये आखिरी T20 था। और इसके साथ ही एक युग का, T20 क्रिकेट में कह सकते हैं एक युग का जो है वो समापन हो गया, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी। रोहित शर्मा ने कहा भी कि ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। और फिर एक दिन बाद हमने देखा कि रविंद्र जडेजा, जो कि टीम इंडिया के ऑलराउंडर है, उन्होंने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया गाइस। तो अब सवाल ये उठता है कि 50 ओवर क्रिकेट जो है उसमें रोहित शर्मा कहां तक अपने क्रिकेट को देख रहे हैं, विराट कोहली कहां तक अपने क्रिकेट को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद क्या BCCI के अप्रोच में कोई बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, जो खबरें आई कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए, और अंदर से खबरें ये भी आ रही थी कि गौतम गंभीर ने प्लेयर्स के लिए प्लान भी बनाया और खासकर उसमें सीनियर प्लेयर्स शामिल हैं कि सीनियर प्लेयर्स कहां तक खेलेंगे। तो सीनियर प्लेयर्स के जो गौतम गंभीर की बात सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और WTC का जो मुकाबला होगा, जब भारत उसमें अगर फाइनल में पहुंचेगा, तो WTC तक प्लान बनाया गया है कि सीनियर खिलाड़ी वहां तक भारतीय टीम को जो है सर्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो BCCI के सेक्रेटरी जय शाह, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि रोहित शर्मा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी और WTC तक भारत के कप्तान रहेंगे। तो ये चीज तो क्लियर है कि 2025 तक रोहित शर्मा भारत के कप्तान रहने वाले हैं, लेकिन रोहित शर्मा खुद कितना क्रिकेट खेलने वाले हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब खुद रोहित शर्मा ने दिया है। रोहित शर्मा का ये कहना है कि फिलहाल उन्होंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है, फिलहाल वो क्रिकेट खेल रहे हैं और इसलिए अभी उन्होंने कोई ऐसा फ्यूचर प्लान या ऐसा कोई टारगेट जो है वो सेट नहीं किया है। रोहित शर्मा ने दोस्तों ये बातें रखी है डैलस में, अमेरिका में एक जगह है डैलस, वहां पे एक इवेंट हो रहा था, वहां पे रोहित शर्मा ने अपनी ये बातें रखी कि अभी बहुत आगे की उन्होंने नहीं सोची है। तो इसका मतलब तो दोस्तों ये है कि रोहित शर्मा स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पता लगेगा कि रोहित शर्मा कितनी क्रिकेट खेलने वाले हैं, या WTC के बाद पता लगेगा कि टेस्ट क्रिकेट कितनी वो खेलने वाले हैं। तो फिलहाल रोहित शर्मा का ये कहना है कि अभी उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, अभी वो खेल रहे हैं। तो यानी कि माना जा सकता है कि रोहित शर्मा बाद में ये फैसला लेंगे, अभी इमीडिएट उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप तक खेलना है या उनको कब तक खेलना है, क्योंकि 2025 में ही दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन स्केड्यूल है और WTC भी, और 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है उसके 2 साल बाद है। विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली का भी दोस्तों इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन विराट कोहली बहुत प्लानिंग के साथ चलते गाइस, जैसा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट ली, तो विराट कोहली का भी कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर आ जाएगा जब उनसे इस बारे में पूछा जाएगा। तो एक चीज और भी थी लोगों ने जो रोहित शर्मा से पूछा कि जब 5 ओवर में 30 रन ही जीत के लिए बनाने थे तो वो उस समय अप्रोच किया था, तो रोहित शर्मा का यही कहना था कि हम बहुत काम थे, बहुत कूल एंड काम थे, हम बहुत अच्छे तरीके से हम जो था सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे थे और वही जो कामनेस थी वो टीम इंडिया के काम आई कि हमने धैर्य को नहीं छोड़ा और उसी की वजह से टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिए कि क्या वो 2027 तक क्रिकेट खेलेंगे या वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी या WTC के बाद जो है क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, इसके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन उन्होंने नहीं दी है। बल्कि रोहित शर्मा का सिंपली ये कहना दोस्तों कि अभी वो इतना लंबा नहीं सोच रहे और उनकी जो क्रिकेट रही है वो कभी भी इतना नहीं सोचते, जैसे कहते हैं ना, वन गेम एट अ टाइम, वन सीरीज एट अ टाइम। तो रोहित शर्मा भी अभी उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आई होप रोहित के फैंस को इससे बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर कि रोहित शर्मा ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, और क्योंकि अब वो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन भी है रोहित शर्मा, तो हम यही देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन अब इंडिया को 50 ओवर में कौन सी ग्लोरी दिलाते हैं या WTC में।